हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गुम कफ की सिलाई कैसे की जाती है। इसके लिए मैंने एक कफ को कपड़े पर पेस्ट कर लिया है और एक हिस्से को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड हिस्से को हमने पैर पैर का मार्जिन छोड़कर एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसके नीचे वाले कपड़े की कटाई करेंगे, इसलिए हमने आगे पे पैर का मार्जिन छोड़कर सेम उसी तरह कफ की कटाई कर लेनी है, नीचे वाले हिस्से की कटाई कर लेनी है। आगे हमने पैर पैर का मार्जिन छोड़ना है जितना हमारा सिलाई में आएगा। उसके बाद हम पैर पैर का मार्जिन, इससे थोड़ा कम भी होता भी चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम इसकी निशान लगाएंगे। पहला हमारा स्टार्टिंग का निशान हो गया और दूसरा हमारा एंड वाला निशान है। इसके बाद हम इसका आधा करकर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम प्लेटों के निशान लगाएंगे। प्लेटों के निशान लगाने के लिए हमने इसको फोल्ड कर लिया है और सेंटर वाले निशान से मिला दिया है। इस कप में हम दो प्लेट डालेंगे। ये हमारा पहला प्लेट हो गया और ये दूसरे प्लेट का निशान हो गया। इन सभी निशानों को हमने नीचे वाले कपड़े पे उसी तरीके से उतार लेना है। ये पहला निशान हो गया, दूसरा प्लेट हो गया, सेंटर हो गया, ये प्लेट हो गया और ये एंड वाला निशान हो गया। इसके बाद हम बाजू लेंगे। ये मैंने पहले फट्टी बनाकर रखी हुई है। जेकर आप भी इस प्रकार की फट्टी बनाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हम बाजू की थोड़ी सी एक सिलाई लगाएंगे। यह सिलाई लगाने के बाद हमने आगे के हिस्से को पकड़कर इसका आधा कर लेना है। आधा करने पर आप टुक भी लगा सकते हो और निशान भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। सिलाई के लिए हमने नीचे वाला कपड़ा लेना है और स्टार्टिंग पॉइंट से हमने एक हिस्से को अटैच कर लेना है। पैर पैर के मार्जिन से हमने जितना आगे छोड़ा था उतनी सिलाई स्टार्ट करनी है। थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद हमने दोनों सेंटर वाले पॉइंट को मिला लेना है और हमारा पहला प्लेट जो आएगा पहले निशान पे लगाना है। ये हमारा प्लेट मशीन की तरफ, इसका जो एड़ा फ्रंट मतलब भी इसका मुंह एड़ा मशीन की तरफ होना चाहिए। उसके बाद सेंटर तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सेंटर तक सिलाई लगाने के बाद हमने एंड वाले पॉइंट से कपड़े को मिला लेना है और दूसरा प्लेट जो हमारा मशीन के उल्ट वाली साइड होना चाहिए, यानी कि मेरी साइड में होना चाहिए प्लेट। वो सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमने कपड़े को नाखून की सहायता से अच्छे तरीके से जमा लेना है। उसके बाद हमने हमारी काफ़ी जो हमने पेस्ट की थी उसको उठाना है और रॉन्ग वाली साइड ऊपर होनी चाहिए और सिलाई के बराबर ये सिलाई स्टार्ट करनी है। जो हमने पहले फोल्ड किया था उसके बराबर ये सिलाई स्टार्ट करनी है और ये गलाई हमने जो है पैर है उसे एक या दो बार उठाकर ये गलाई देनी है, गलाई की सिलाई लगानी है, नहीं तो इसमें किसी प्रकार का थल नीचे में वाल नहीं आएगा। दोनों कपड़ों को बराबर कर इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हमारी पेस्टिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद एंड वाले पॉइंट को हमारे जो निशान लगाए थे उससे मिला लेना है। ये निशान एक साथ होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हमने ये दूसरी गलाई दे देनी है, सिलाई लगा लेनी है।
ये सिलाई लगाने के बाद पैर पैर का मार्जिन छोड़कर हमने फालतू कपड़े को निकाल देना है, कटाई कर देनी है इसकी। उसके बाद हमने कफ को सीधा कर लेना है। आप चाहें तो इसे प्रेस की सहायता से अच्छे तरीके से बैठा भी सकते हैं। इसके बाद इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। नीडल की सहायता से सभी दागों को या कपड़े को अंदर अच्छी तरीके से बैठा लेना है, कोई भी कपड़ा या बाहर नहीं रहना चाहिए। वो आपकी इच्छा है कि आपने सिलाई इसकी कन्नी कन्नी पे लगानी है कि पैर पैर का मार्जिन छोड़कर लगानी है, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हो, लेकिन मैं पैर पैर का मार्जिन छोड़कर लगा रहा हूँ। और नीचे वाले कपड़े की ये खास ध्यान रखना है कि वे ऊपर नहीं आना चाहिए, जेकर ऊपर आएगा तो आपका फिनिशिंग है जो बढ़िया नहीं आएगी। पैर पैर के मार्जिन से ये सभी सिलाई लगा लेनी है। ऐसी दोस्तों मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, जेकर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी दूसरी वीडियो का भी लुफ्त ले सकते हैं। इस प्रकार ये हमारी एंड वाली सिलाई है, ये भी अच्छे तरीके से लगा लेनी है। दोस्तों ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी कि हमारी जो काफ़ी है बाजू से अटैच हो गई है। मैं आपको फ्रंट साइड दिखाऊंगा, ये देखिए हमारी फ्रंट साइड है कितनी बढ़िया फिनिशिंग आई है, और ये रॉन्ग साइड है, नीचे वाली साइड में देखो कितनी बढ़िया आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।